देखिए बेटा जी, कैसे हैं आप? कुछ ये पार्ट नंबर 8 में मैंने आपको ये अलग से पार्ट क्यों बनाया, पहले तो ये क्वेश्चन आता है। और इस पार्ट के अंदर है क्या? पार्ट नंबर 8 में मैंने ये कवरेज दी है कि जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म थी वो आपको सीधे तरीके से नहीं देता। कभी 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 कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, वेरिएबल किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ना बोल के उस वेरिएबल की चेंजेस बहुत बड़े कर देगा। लाइक कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किसी अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो कैसे दिखेंगे वो क्वेश्चंस? आपके सामने मैंने 7 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, दिख रहे हैं बेटा जी? 7 क्वेश्चन को एक बार देखो, थोड़े से पहले के मुकाबले अब क्वेश्चंस में ये वैसा नहीं है कि वाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ तो ये कह रहा है डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट लॉग एक्स विद रेस्पेक्ट टू 1/x, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1^5 विद रेस्पेक्ट टू, मतलब फंक्शन के रेस्पेक्ट में होना है। अब ऐसे कैसे, चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको एक समझ आ जाता है तो बाकी 6 आप करने की कोशिश करना, समय मत वेस्ट करना। फिर भी मैं एक एक करके थोड़ा सा फास्ट स्पीड में कंप्लीट करता जाऊंगा जिससे आप आंसर मैच कर सकें। रेडी? चलिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या दिख रहा है, डी यू, पता क्या करो, इसी क्वेश्चन को जो एक्स स्क्वायर मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसको जरा ऐसे समझना। क्या सबसे पहले लेट, अगर मैं इसको यू और इसको वी बोलता हूं, तो आप अब पढ़ना क्वेश्चन जरा, डिफरेंशिएट यू विद रेस्पेक्ट टू वी, डिफरेंशिएट यू विद रेस्पेक्ट टू वी, मतलब यू का डेरिवेटिव करना है इसके रेस्पेक्ट में वी के, यही हो गया ना? कहने का मतलब डी यू ओवर डी वी फाइंड करना है। दोबारा से, मैंने क्या करा, यू बराबर एक्स स्क्वायर और वी बराबर एक्स क्यूब बोला, ठीक है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी, वो एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में, यानी कि यू का डेरिवेटिव वी के रेस्पेक्ट में, अब ये पैरामेट्रिक बन गई। अब पैरामेट्रिक कैसे, यू का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में जब करूंगा तो 2x आया, जैसे पहले करा था, डी वी ओवर डी एक्स करूंगा एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x स्क्वायर, ये भी क्लियर है, पर मुझे चाहिए था यू का डेरिवेटिव वी के रेस्पेक्ट में, तो क्या मैं डी यू ओवर डी एक्स अपॉन डी वी ओवर डी एक्स लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। 2x/3x² काट पीट करके 2/3x, ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैं यही ट्राई दूंगा कि एक बार आप ट्राई करें, नहीं तो क्वेश्चनों को देखते चलना और लड़ते चलना। डन। यू वी, लेट यू बराबर लॉग एक्स, वी बराबर 1/x, मतलब यू का डेरिवेटिव वी के रेस्पेक्ट में करना है तो क्वेश्चन मार्क, लॉग यू का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी, 1/x, डी वी ओवर डी एक्स क्या आता है, -1/x², मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 2 लगा लेना या एक्स की पावर -1 लगा के कर लेना, ठीक है, और डी ओवर डी वी यू का, मतलब डी यू ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स, राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे कर लीजिएगा। डन। माइनस नहीं कटेगा तो आंसर आएगा -k/1, क्या है बेटा जी, मैं दोबारा लिखता हूँ इसी चीज़ को, ठीक है, जल्दबाजी में आंसर गलत कर देते हैं, 1/x/ -1/x², यानी कि -x² / x, एक्स एक्स कटा और आंसर -x आया, समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यू और से वी, लेट यू बराबर x² + 1^5, वी बराबर x³ + k 5x + k 7, डी यू ओवर डी एक्स 5, x² + 1^4 ×2x, क्योंकि पावर को पहले करके अंदर वाले का करते हैं, डी वी ओवर डी एक्स क्या आया, 3x² + k 5, डी यू ओवर डी वी निकालना था तो डी यू ओवर डी एक्स अपॉन डी वी ओवर डी एक्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 5x² + 1^4 ×2x डिवाइड बाय 3x² + 5, यानी कि 10x
एक्स स्क्वायर प्लस वन के होल की पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये आंसर है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिर सेम चीज यू और वी, लेट यू बराबर ई की पावर एक्स, वी बराबर रूट एक्स, डी यू ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, डी वी ओवर डी एक्स रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स, मुझे चाहिए डी यू ओवर डी वी, कहने को बोलते यू का डेरिवेटिव ऊपर और वी का नीचे, डन। तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स टू रूट एक्स प्लस सी, आया समझ, प्लस सी नहीं आता। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सेम चीज आती है, लेट यू बराबर लॉग एक्स क्यू प्लस वन और वी बराबर लॉग फाइव एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन एक्स क्यू प्लस थ्री, चेन रूल में गलती मत करना, इतना डेरिवेटिव आपको आता होगा डी ओवर डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्यू प्लस वन और एक्स क्यू प्लस वन का थ्री एक्स स्क्वायर, डी वी ओवर डी एक्स क्या आएगा बेटा जी, वन अपॉन फाइव एक्स क्यू ऑफ फाइव प्लस सेवन एक्स क्यू प्लस थ्री एज इट इज। अब जो डेरिवेटिव है वो ट्वेंटी फाइव एक्स क्यू ऑफ फोर ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, डन। बोलो हाँ, डी यू ओवर डी वी जब मैं करूँगा तो डी ओवर डी एक्स अपॉन डी वी ओवर डी एक्स करूँगा, डी ओवर डी एक्स क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस के वन डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव एक्स क्यू ऑफ फोर ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव एक्स बा फोर फाइव है यहाँ पे सेवन एक्स क्यू प्लस थ्री, डन यहाँ तक। बाकी सारा सबसे नीचे ऊपर विचालो विचालो के इंटू में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैं स्पेशली फोकस्ड करूँ, डन। तो लेट यू बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर एंड वी बराबर लॉग एक्स, तो सेम चीज़ आती है, डी ओवर डी एक्स जब करूँगा तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, डी वी ओवर डी एक्स का लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, डी यू ओवर डी वी निकालने के लिए डी यू ओवर डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स करूँगा, तो क्या आएगा टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन अपॉन एक्स, जिसमें कि नीचे वाला एक्स ऊपर जाके इन टू हो जाएगा, क्लियर है, बोलो हाँ। और लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्योंकि मुझे पता है ये वाला आपका डाउट बना हुआ, डन। चल लेट u बराबर log 1 प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स, वी इज इक्वल टू e की पावर x 1 प्लस एक्स, पहले dv ओवर dx कंप्लीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वन प्लस एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू वन, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स कॉमन आया तो वन प्लस एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन से वन कटा एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्लियर है, बोलो हाँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा जी, ये तो चलो अपनी जगह ठीक है, अब इधर करते हैं, इधर का डेरिवेटिव कैसे करूँगा, लॉग का यू का डी ओवर डी एक्स, लॉग का तो सारा पहले नीचे ला गया, वन प्लस रूट एक्स और क्या आएगा बेटा यहाँ पे बोलो वन माइनस रूट एक्स, अब जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स का होगा, वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स तो एक जगह आ गया, इधर लग रहा है क्वेश्चन टूल, क्लियर है, क्वेश्चन टूल सेम कि वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस रूट एक्स एज इट इज वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस या माइनस माइनस, अब वन प्लस रूट एक्स एज इट इज माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, क्वेश्चन में वन अपॉन टू रूट एक्स कॉमन निकाल लूँ बेटा जी मैं, ठीक है, जैसे कि आप देख पाएंगे वन माइनस रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है, जिसमें कि वन से वन कट गया तो वन माइनस रूट एक्स माइनस टू रूट एक्स वन प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये कटा ये कटा ये कटा माइनस वन अपॉन वन का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, यस
आपको दिख रहा होगा थोड़ा अजीब सा हो गया क्वेश्चन, पर इजी है। वन माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो डी यू ओवर डी वी निकालने का मतलब हो गया डी यू ओवर डी एक्स अपॉन डी वी ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स क्या हो गया बेटा जी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन आंसर ये रहा। आया समझ? थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, इसीलिए आप अपने सारे दोस्तों में वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कर दें, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाने से जैसे जैसे रोज़ पार्ट आते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, आपको पता रहेगा कि कब कब क्या क्या मैं कराने जा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।